हेलो और वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस रिलेटेड है। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा एक पहले से एक वीडियो था जहां पर मैंने आपको सिस्टमेटिक वे में समझाया था कि गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस क्या होती है। बट मुझसे कई बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमको कैसे पता चलेगा जब हम किसी लेबोरेटरी के अंदर वर्क करने के लिए जाएंगे, क्यूसी में जब हम काम करने के लिए जाएंगे, तो हमको कैसे पता चलेगा कि इस लेबोरेटरी के अंदर गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस फॉलो की जा रही है, वहां पर वो जीएलपी को फॉलो करते हैं या उसकी गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, वो कैसे पता चलेगा हमको। तो उन फैक्टर्स के बारे में बताइए या उन पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कशन कीजिए, जिससे कि हम जब भी किसी क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर काम करने के लिए जाएंगे तो हमको क्लियर हो कि जिस भी लैब में हम काम कर रहे हैं वहां पर जीएलपी फॉलो हो रही कि नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो आपको जीएलपी के बारे में पता होना चाहिए, जिससे कि आप उनको बता सकें या आप तो कम से कम जीएलपी को फॉलो करें, जिससे कि आपके कैरियर में काफी फायदा होगा। और जब भी कोई ऑडिट्स होंगे या किसी भी टाइप की चेकिंग के दौरान आपसे कोई जीएलपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको यह बात पता होनी चाहिए। तो देखिए, जीएलपी अगर किसी भी फार्म इंडस्ट्री की क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर फॉलो हो रही है तो वहां पर कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं। सबसे पहला फैक्टर यह होगा कि वहां पर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से क्वालिफाइड होने चाहिए, उनका प्रॉपर कैलिब्रेशन टाइम टू टाइम होना चाहिए, उनका कैलिब्रेशन रिकॉर्ड प्रॉपर तरीके से मेंटेन होना चाहिए, पूरा डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। नेक्स्ट, वहां पर जितने भी एनालिस्ट वर्क कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग भी, तो एनालिस्ट का भी प्रॉपर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मतलब जो भी लोग वहां पर काम करने वाले हों वो पूरी तरीके से क्वालिफाइड हो, उनकी एजुकेशन प्रॉपर हो, वो मतलब ये ना हो कि कोई दसवीं पास या कोई पॉलिटेक्निक या आईआईटी का आईटीआई का बंदा कोई काम कर रहा है। अगर रिक्वायरमेंट बी फार्मेसी कैंडिडेट की है या बीएससी कैंडिडेट की है तो वहां पर वही लोग काम करने चाहिए, उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उनकी फाइल पूरी तरीके से मेंटेन होनी चाहिए। जो भी सॉफ्टवेयर, खासकर जितने भी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है, वहां पर जो भी सॉफ्टवेयर का यूज किया जा रहा है वो पूरी तरीके से अपडेट होने चाहिए, उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उनका क्वालिफाइड होने चाहिए। मतलब कोई भी चोरी का या पायरेटेड सॉफ्टवेयर वहां पर यूज नहीं होना चाहिए, प्रॉपर गाइडलाइन के हिसाब से जेन्युइन सॉफ्टवेयर वहां पर यूज होना चाहिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज तो हो गई इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, एनालिस्ट से रिलेटेड और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं केमिकल्स की। तो देखिए, जितने भी केमिकल्स और स्टैंडर्ड्स फार्म इंडस्ट्री, खासकर जो क्यूसी लैब में यूज कर होने चाहिए, वो प्रॉपर तरीके से चेक्ड होने चाहिए, वो प्योर होने चाहिए, उनके रिकॉर्ड प्रॉपर तरीके से मेंटेन होने चाहिए, कब परचेस किए गए, उनकी शेल्फ लाइफ क्या है, प्रॉपर लेबलिंग उनमें होनी चाहिए। यहाँ तक कि जो केमिकल जिस तरीके से रखा गया है, मतलब कई केमिकल ऐसे होते हैं जिनकी स्टोरेज कंडीशन अलग अलग होती है, तो उसके हिसाब से उनकी स्टोरेज कंडीशन उनको प्रोवाइड करानी चाहिए। मतलब जैसे कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड HCl है तो उनकी स्टोरेज कंडीशन वैसी होनी चाहिए। और अगर कोई ऐसे केमिकल्स या कोई ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जिनको आपको फ्रिज के अंदर रखना है या उनको लो टेम्परेचर की ज़रूरत है, तो उनकी उस तरीके से प्रॉपर वे में आपका स्टोरेज कंडीशन होनी चाहिए। तो केमिकल उस तरीके से प्रॉपर तरीके से मेंटेन होने चाहिए, उनका रिकॉर्ड, उनका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद लेबोरेटरी के अंदर जो कंडीशंस होनी चाहिए, देखिए लैब जो भी क्यूसी लेबोरेटरी होती है ना, वहाँ पर रूम टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है और किसी भी टाइप की इम्प्यूरिटी या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना इंटर हो जाए, इसलिए वहाँ पर हेपा फिल्टर्स का यूज़ किया जाता है, ह्यूमिडिटी मेंटेन की जाती है, जिससे कि एनालिसिस के लिए कंडीशन बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो और हमको 100% रिजल्ट मिले। तो ये सारी कंडीशन जो होगी वो लेबोरेटरी के अंदर मेंटेन होनी चाहिए, ये जीएलपी के अंडर आती है। तो लैब के अंदर गाइडलाइन के हिसाब से ही सारी कंडीशन मेंटेन होनी चाहिए तो वो जीएलपी को फॉलो कर रही है। उसके अलावा जितनी भी मेथड्स, जितनी भी एनालिटिकल मेथड्स हम क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर यूज कर रहे हैं वो पूरी तरीके से वैलिडेटेड होनी चाहिए, R&D उसको पूरा वैलिडेट करे और प्रॉपर वैलिडेट होने के बाद ही फिर वो यूज होने के लिए जाए और उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन हो, जिससे कि आप जो भी एनालिटिकल मेथड, चाहे आप HPLC का ऐसे उठा लीजिए, कोई डिसोल्यूशन की मेथड उठा लीजिए, कोई टाइट्रीमेट्रिक मेथड ले लीजिए, वो प्रॉपर तरीके से वैलिडेटेड होनी चाहिए। और जो ICH गाइडलाइन के हिसाब से जो हमको वैलिडेशन की गाइडलाइन दी गई है मेथड वैलिडेशन की, उसके हिसाब से वो पूरी तरीके से वैलिडेट हो और बाद और जब उसका वैलिडेशन पास हो जाए, वो पूरी तरीके से वैलिडेशन क्लियर कर ले, उसके बाद फिर वो यूज हो और उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर हम जो भी कोई भी प्रोसेस करते हैं, चाहे वो एनालिसिस से रिलेटेड हो, प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, उसका डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी प्रोसेस का डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये होगा कि वो प्रोसेस कभी हुई नहीं है।
डॉक्यूमेंटेशन किसी भी प्रोसेस का सबूत होता है जो ये बताता है कि जी हाँ ये प्रोसेस हुई थी, ये एनालिसिस हुआ था, ये टेस्ट परफॉर्म किया गया था, इस चीज का आपको याद रखना है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि जीएलपी से रिलेट करता है वो ये होता है कि जो लेबोरेटरी होती है जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां पर सेफ्टी मेजर होने चाहिए और लेबोरेटरी के हिसाब से सेफ्टी मेजरमेंट होना चाहिए। मतलब अगर केमिकल से लगने वाली आग है तो वहां पर रेत होने चाहिए जिससे आप रेत से आग बुझा सको, वहां पर प्रॉपर अलार्म सिस्टम होना चाहिए, वहां पर एक से ज्यादा गेट्स होने चाहिए कि कभी आग लग जाए तो निकल सके आप जल्दी से जल्दी, और साथ ही साथ आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी होनी चाहिए सेफ्टी और मेजर की। देखिए ट्रेनिंग रिकॉर्ड बहुत ज्यादा जरूरी होता है और उसका भी डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, तो प्रॉपर ट्रेंड पर्सन जो होते हैं वो आपको ट्रेनिंग देते हैं और ये भी जीएलपी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके अलावा कुछ और भी पॉइंट है जैसे कि लेबोरेटरी के अंदर जितनी भी लाइटिंग फैसिलिटी है या वहाँ पर जो भी कूलिंग फैसिलिटी है उसका टाइम टाइम पे मेंटेनेंस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि लाइटिंग खराब हो गई है या कोई एयर कंडीशनर खराब हो गया है और बस खराब हो गया है तो उसको कोई ठीक करने वाला ही नहीं आ रहा, ऐसा नहीं। वहाँ पर प्रॉपर वे में लिखा होना चाहिए कि इसका जो मेंटेनेंस था वो इस डेट को हुआ था और इसका अगला मेंटेनेंस कब होगा, इसकी चेकिंग कब होगी, वो प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए। तो इसकी एक प्रोसीजर होना चाहिए, हर चीज का एक प्रोसीजर होना चाहिए लेबोरेटरी के अंदर, जैसे कि किस केमिकल को आपको कैसे हैंडल करना है उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए, यहां तक कि हर इंस्ट्रूमेंट के पास में एसओपी लगी हुई होनी चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। साथ ही साथ जितने भी टेस्ट आप परफॉर्म कर रहे हो उनका स्पेसिफिकेशंस आपको प्रॉपर प्रोवाइड हो जाए, इजीली अवेलेबल हो जाए, वो जितने भी स्पेसिफिकेशन हैं वो क्रॉस चेक्ड हों, सील साइन हों, जितने भी एसओपीज इंस्ट्रूमेंट के साथ में लगी हुई हैं वो भी सील साइन होनी चाहिए, केमिकल का रख रखाव सही तरीके से हो। उसके अलावा प्रोडक्ट की जो हैंडलिंग है, मतलब जब सैंपल लेबोरेटरी के अंदर आता है तो उसका हैंडलिंग प्रोसीजर भी सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई भी सैंपल लेबोरेटरी के अंदर एंटर हो रहा है और कोई भी उसको ले रहा है और वो अपने हिसाब से कहीं भी रख रहा है, ऐसा नहीं। प्रॉपर तरीके से उसकी गाइडलाइन होनी चाहिए कि जब सैंपल लैब के अंदर एंटर करेगा तो किसको देना है, कहां पर साइन करने हैं, रजिस्टर पूरा तरीके से मेंटेन होना चाहिए, रजिस्टर में साइन होने चाहिए, डेट डलनी चाहिए और वो सैंपल जो भी पर्सन ले रहा है उसके भी साइन होने चाहिए और उस सैंपल को स्टोर कहां करके कहां रखना है उसकी जगह भी फिक्स होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिससे कि सैंपल के अंदर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, क्योंकि अगर आप सैंपल को ही सही तरीके से ट्रीट नहीं करोगे तो फिर सीधी सी बात है जब वो लैब में टेस्टिंग के लिए जाएगा तो उसके फेल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो सैंपल जो हो वो सिस्टमेटिक वे में कैरी किया जाए, साथ ही साथ लैब के अंदर कोई अंदर आ रहा है कोई बाहर जा रहा है तो उसकी प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए कि जो भी पर्सन अंदर आएगा तो उसको प्रॉपर तरीके से ड्रेसअप होकर अंदर आना है, पूरी तरीके से शूज़ पहन के आने हैं, लेबोरेटरी के शूज़ अलग होने चाहिए, बाहर के शूज़ उतार के लैब के शूज़ पहन के इंटर होना है, ग्लव्स पहन के मास्क लगा के कैप लगा के ही वो लेबोरेटरी के अंदर इंटर हो। ऐसा ना हो कि कोई भी बाहर का बंदा इंटर हो जाता है लैब के अंदर और अंदर की सारी धूल इम्प्यूरिटीज़ जो है वो लैब के अंदर लेके आ जाता है जिससे कि हमारे प्रोडक्ट और हमारे टेस्ट इफेक्ट होते हैं। तो ये पूरी गाइडलाइन होनी चाहिए, बाहर गार्ड लगे हुए होने चाहिए जो कि बाहर से आने वाले पर्सन को पहले पूछेंगे कि आपको क्या काम है, आप किस लिए आए हो, अगर सैंपलिंग टीम के लिए आए हो तो सैंपलिंग आप यहाँ पर आके जमा करवा दीजिए, सील साइन कर दीजिए, आपको लैब के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। हर किसी को लैब में एंट्री बैन हो, केवल वही लोग लैब के अंदर जाएं जो लैब के अंदर काम करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जीएलपी प्रैक्टिस होती है जिससे कि आपके प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होगा वो सुधरेगा, बेहतर होगा और ड्रग के फेल होने के चांसेस और एनालिसिस के फेल होने के चांसेस काफी कम होंगे। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसीजर होता है कि आपको कैसे एनालिसिस परफॉर्म करना है, जब आपको ग्राफ मिलेंगे तो फिर आपको कैसे उसको कैलकुलेट करना है, उसका प्रॉपर एक फॉर्मेट होना चाहिए, रिपोर्ट का फॉर्मेट पूरा सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, जब रिपोर्ट बन जाएगी तो उसको कैलकुलेशन करके कौन उसको क्रॉस चेक करेगा, उसकी रिपोर्टिंग कैसे करना है, उसको डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में कैसे क्यूए में जमा कराना है, कौन सील साइन करेगा, कौन क्रॉस चेक करेगा, ये सारे रोल जो होने चाहिए वो लैब के अंदर क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कभी एनालिस्ट खुद ही जाके क्यूए में जाके जमा करा रहा है, सीनियर कोई पर्सन है ही नहीं, और अगर कोई ड्रग फेल हो जाती है तो उसमें हमको क्या एक्शन लेना है, किसको जाके हमको रिपोर्ट करनी है, आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन लेना है तो क्यों लेना है, अगर किसी टेस्ट को एनालाइज करना है, कोई इंसिडेंस हो रहा है, कोई डेविएशन हो रहा है तो उसकी प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए, उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, आपको किसको रिपोर्ट करना है, उसका क्या प्रोसीजर होगा, ये सारी चीज़ें प्रॉपर वे में क्लियर होनी चाहिए जिससे कि जब भी आपको एनालिसिस परफॉर्म करें तो आपके आपसे अगर कोई गलती हो जाती है, कोई डेविएशन हो जाता है, कोई इंसिडेंस हो जाता है तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, आप अपने हिसाब जो गाइडलाइन आपको कहती है उसको फॉलो करते हुए बहुत ईजी वे में डॉक्यूमेंटेशन कर पाएं। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है लॉग बुक का मेंटेनेंस। जी हाँ, क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर लॉग बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब भी आप कोई चीज़ यूज करते हो तो वहाँ पर लॉग बुक रखी होती है जिसपे आपको एंट्री करनी होती है, आपका नाम, आपकी पोजीशन,
आप क्या हो, मतलब किस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो, आपने कितनी बजे यूज लिया, कितनी बजे इसको यूज किया, कितना यूज किया और रिमेनिंग सैंपल कितना बचा, वो सारी चीजें आपको मेंशन करनी होती हैं। तो लॉग बुक सभी जगह होती है, मतलब पीएच मीटर में भी स्टैंडर्ड यूज अगर आप कर रहे हो, या आप कोई भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, आप यूवी यूज कर रहे हो, आप एचपीएलसी यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें सारी लॉग बुक में आपको एंट्री करनी होती है। माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट भी, जब अगर आप कोई इनोकुलेशन कर रहे हो, कोई चीज़ इनोकुलेशन यूज़ कर रहे हो, कोई स्टेबिलिटी चैम्बर आप यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको लॉग बुक के अंदर एंट्री करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वेइंग बैलेंस भी यूज़ कर रहे हो तो भी आपको लॉग बुक में एंट्री करना पड़ेगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लॉग बुक का मेंटेनेंस होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि कोई लॉग बुक में एंट्री कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई स्टैंडर्ड यूज़ करता है और यूज़ करता है 50 ग्राम और लिखता है 100 ग्राम, लिख देता है 25 ग्राम, ऐसा नहीं। जितना आपने यूज़ किया है उतनी एंट्री होनी चाहिए, और क्योंकि उसको क्रॉस चेक भी किया जाता है, ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी कोई एनालिसिस कंप्लीट होता है तो उसके पूरे प्रोसीजर को क्रॉस चेक किया जाता है लॉग बुक को मंगवा के, कि अगर उस प्रोसीजर के अंदर पीएच मीटर का यूज़ था, स्टैंडर्ड आपने यूज़ किया था, तो वो लॉग बुक मंगवाएंगे और उसको क्रॉस चेक करेंगे, और ये पूरा प्रोसीजर होता है जीएलपी का। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर आपको लॉग बुक के अंदर एंट्री करना है, जब भी अगर आप किसी भी लेबोरेटरी के अंदर काम करें, उसको आपको हल्के में ना लेना है, क्योंकि ये लॉग बुक में अगर आपको एंट्री भूल जाते हो और आप कंपनी से बाहर भी निकल जाते हो ना, तो भी आप कंपनी में फ़ोन लगा के बोल दीजिए कि सर मैंने ये लॉग बुक में एंट्री करना भूल गया था, तो प्लीज़ आप ये एंट्री कर देना, क्योंकि वो अगर एंट्री नहीं हो पाएगी और उसके बाद अगर कोई दूसरा आके एंट्री कर देगा तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो लॉग बुक में एंट्री करना कभी भी नहीं भूलना है, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद जो भी क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर जो सैंपल्स आते हैं, उनमें कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं और कुछ सिलेक्ट हो जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसके लिए भी एक प्रॉपर गाइडलाइन हो कि कैसे हमको सैंपल को रिजेक्ट करना है, और अगर सैंपल, जो भी सैंपल रिजेक्ट हो गए हैं, उनकी एक जगह निश्चित होनी चाहिए, वहाँ पर प्रॉपर लेबल होना चाहिए कि यहाँ पर सारे रिजेक्ट सैंपल रखे जाते हैं, यहाँ पर सारे वेस्ट सैंपल रखे हुए जाते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये एक गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस का एक पार्ट होता है, जहाँ पर रिजेक्टेड और अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स और सैंपल को कैसे आपको हैंडल करना है, उसकी प्रॉपर गाइडलाइन आपको दी जाती है। ठीक है, ये बात, ऐसा नहीं कि रिजेक्ट हो गया तो आपने डस्टबिन में फेंक दिया, ऐसा नहीं, उसमें आपको पता होना चाहिए कि जो रिजेक्टेड सैंपल होंगे उनकी जगह कहाँ पर है और उसको आपको कैसे ट्रीट करना है, कैसे हैंडल करना है। और लास्ट पार्ट जो होता है वो होता है मेंटेनेंस। जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स या जितने भी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर यूज़ किए जा रहे हैं, उनका प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए। इंजीनियर टाइम टाइम पर आके विजिट करें, वहाँ पर वो इंस्ट्रूमेंट्स को मेंटेनेंस करें, प्रॉपर तरीके से चेक करें, क्रॉस चेक करें, उनके जितने भी क्रिटिकल स्पेयर पार्ट्स हैं, अगर उनको लग रहा है कि अब खराब हो सकते हैं या इनके खराब होने के चांसेस हैं, तो वो हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट करें कि सर आप ये पार्ट्स बदलवा लीजिए, या वो खुद ब खुद बदल दें। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंस्ट्रूमेंट का मेंटेनेंस समय समय पर होना चाहिए। अगर इंस्ट्रूमेंट का मेंटेनेंस सही होगा तभी वो कैलिब्रेशन टेस्ट पास कर पाएंगे, नहीं तो इंस्ट्रूमेंट्स कैलिब्रेशन फेल हो जाएगा, और अगर इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन फेल हो गया तो इंस्ट्रूमेंट को आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि समय समय पे इंस्ट्रूमेंट का मेंटेनेंस परफॉर्म होना चाहिए। तो ये वो पॉइंट्स थे जो कि गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस के अंदर आते हैं, और अगर आप किसी भी फार्मा इंडस्ट्री की क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपको इन सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना है। आपको देखना है कि आपकी लेबोरेटरी के अंदर ये सारे पॉइंट्स, ये सारे चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई है, ये सब चीज़ें परफॉर्म हो रही कि नहीं हो रही हैं, और अगर नहीं हो रही हैं तो प्लीज़ आप इसको बताइए, नहीं तो, और अगर कोई नहीं बता रहा है और कर भी नहीं रहा है तो कम से कम आप इसको करिए। इससे होगा ये कि आप कभी भी किसी भी ऑडिट में नहीं फंसेंगे, आप अपने वर्किंग कल्चर को जितना अच्छा करेंगे आगे चल के आपकी ग्रोथ ही होनी है। तो आप चाहें तो अगर ये चीज़ें अगर आपकी कंपनी में नहीं हो रही हैं या आपकी लैब में अगर ये सारी चीज़ें परफॉर्म भी नहीं हो रही है ना, तो प्लीज़ आप इनकी आदत डालिए और कम से कम इसका नॉलेज रखिए, और कोशिश करें कि जो दूसरे हैं, खासकर जो आपके जूनियर्स हैं, उनको आप इन चीज़ों के लिए गाइड कीजिए, जिससे कि आपकी रिस्पेक्ट ही बढ़ने वाली है, क्योंकि आपके जूनियर्स देखेंगे कि यार सर को कितना ज़्यादा नॉलेज है। तो क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती है वो सब सीजीएमपी के अंदर आती हैं, और मैं आपको बता चुका हूँ कि जीएलपी सीजीएमपी के अंदर आने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि सीजीएमपी सभी चीज़ों के अंदर आती है। ठीक है, मतलब सीजीएमपी के अंदर सभी चीज़ें आ जाती है, प्रोडक्शन भी आता है, क्यूसी भी आता है, क्यूए भी आता है। ठीक होगी बात, तो ये वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट से मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।